आज हम देखेंगे दूसरा वाला पन्ना। दूसरा वाला पन्ना में क्या है, ये इस साइज़ का एक जैकेट है, ठीक है। जैकेट जो है वो आम जैकेट नहीं है दोस्तों, डिकाथलॉन का ही जैकेट है। और इसका सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, परचेज लिंक भी वहीं पे आपको मिलेगा। ये जैकेट का मॉडल नंबर है ट्रैवल 100 और कलर है ब्लू। ये 3-in-1 ट्रेकिंग जैकेट है दोस्तों। ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। वाटर प्रूफ लेयर के साथ इसका एक विंड प्रूफ या फिर थर्मल इंसुलेशन जिसको कहते हैं वो ऐसा लेयर भी है। और ये खासियत अनोखापन इसमें है कि ये डिटैचेबल है, तो मतलब जो थर्मल लेयर है वो आप डिटैच कर सकते हैं, सिर्फ वाटर प्रूफ लेयर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कंफर्टेबल है आपको 0 डिग्री तक, ठीक है। पॉकेट भी दिया गया है, 2 हैंड पॉकेट और एक हिडन कॉम्पार्टमेंटल पॉकेट है। ये रीइंफोर्स शोल्डर भी है इसमें, कान जो है हम लोग शोल्डर का पार्ट वो रीइंफोर्स किया गया है ताकि आसानी से इस वो फैब्रिक क्या बोलते हैं इसको, मतलब एब्रेशन के वजह से ये टियर डाउन नहीं होता है। एनाटॉमिकल डिज़ाइन है और ये वज़न में भी काफ़ी कम है, टोटल जैकेट 1.3 kg में हो जाता है। ये देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये इस साइज़ का है और ये 3-in-1 4-class का है जैसा मैंने आपको बोला था, ठीक है। एक है क्या कोल्ड विंटर जैकेट, एक है रेन प्रूफ और ये दोनों मिला के ये तीसरा वाला हिस्सा बनता है। तो इसको हम खोलना चाहेंगे, ये खोल दिए, बहुत ही अच्छा है दिखने में, मुझे तो ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों ऐसा जैकेट है कि ये जैकेट भी शायद मेरे ख्याल से ज़िंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना अच्छा फिनिशिंग के साथ बनाया गया है। खैर ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को बाकी हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जैकेट जो है ये शायद ब्राज़ील से इंपोर्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो क्यों बोल रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टाडो पाराओ ब्राज़ील ऐसा कुछ था। अगर नहीं भी हो तो वो भी कोई मतलब होप की बात है नहीं। ये दोनों शुरुआत के लिए ऐसा दिया गया है मेरे ख्याल से, और ये हम खोलना चाहेंगे। और नहीं दोस्तों, ये बांग्लादेश में बनाया गया, बांग्लादेश में बनाया गया चीज़ होने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। क्वालिटी जो है काफ़ी भी बढ़िया है। 4499 इसका MRP है, लेकिन इसको मैंने खरीदा 3499 में, क्योंकि भारी रकम का डिस्काउंट है मेरे ख्याल से। तो इसको खोलते हैं, खोल दिए इसको। ये है अंदर का थर्मल वाला जो हिस्सा वो, और उसको खोलने के लिए आप दोस्तों हम देखेंगे क्या करना चाहिए। यहाँ पे कवर किया गया है ये थर्मल हिस्सा खोलने का जो चेन है, ये चेन को आप अगर ऐसे तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे करके इसको आप खोल सकते हो। ये है चेन, ये खोलने के बाद ये विंड सीटर वाला हिस्सा अलग हो जाता है इससे। तो ये दोस्तों ऐसे खोलते हैं,
ऐसे पूरा खोल दिए, उसके बाद ये जो हिस्सा है ऐसे अलग हो जाएगा। वो आता है हाथ जो है वो भी अब से अब बाहर ला सकते हो। ठीक है, हम कन्वीनियंस के लिए अभी नहीं ला रहे, जैसा जो है वो उसको ऐसा ही रहने देते हैं फिलहाल। और नीचे इनको हम वापस डालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये दोस्तों फिर से डाल दिए, और एक ये जो है यहाँ पे कवर, ये कवर के अंदर इसको वापस हाइट कर दिए अंदर में। अभी ये लेवल वेवल तो हम देख ही लिए है, हम अभी देखना चाहेंगे पैर का पॉकेट्स कैसा है। तो दोस्तों ये है पॉकेट, बहुत ही अच्छी ढंग से बनाया गया है, हाथ रखने के लिए काफ़ी जगह है इसमें। ये लेफ्ट साइड था और ये राइट साइड वाला में भी एक ही किस्म का पॉकेट है, ये दूसरा वाला, और एक हिडन कॉम्पार्टमेंटल पॉकेट जो कह रहे थे वो लोग, ये है दोस्तों हिडन कॉम्पार्टमेंटल पॉकेट। ये कॉम्पार्टमेंटल इसीलिए है क्योंकि इसमें एक कॉम्पार्टमेंट है, ये कॉम्पार्टमेंट ऐसा एक्सेस है, इसमें दोनों भाग किया गया है। ठीक है, ये अंदर भाग किया गया है दोस्तों। यही था जैकेट, अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। सारे डिटेल्स आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और ये जैकेट आप अगर परचेज करना चाहें तो लिखा कलम के जरिए भी कर सकते हैं। आगे भी ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ स्टेट में तो हमारे चैनल। और यही था आज का दो जो खास समय हमारा परचेज दो है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर जल्दी वापस आएंगे दूसरा कुछ अगर खरीदते हैं तो। दुआ कीजिएगा कि आपके आशीर्वाद से ऐसा ही चलता रहे और आपको नई नई चीज़ें बार बार खरीद के आपके सामने ला पाए, ताकि आपको जानकारी मिलने में आसानी हो। टाटा फ्रेंड्स।